हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बस कुछ पल और बिग बॉस के संग कुछ टाइम के बाद हम सभी बिग बॉस की आवाज को मिस करेंगे। वो गानों के साथ बिग बॉस का सब घर वालों को उठाना, बिना पूछे पूरे घर की बत्ती जला देना, हर हफ्ते बिग बॉस का घर वालों को टास्क देना, सलमान खान का क्लास लगाना, ये सब कुछ अब बस दो दिनों का मेहमान है क्योंकि बिग बॉस 17 अपने आखिरी पड़ाव पर है। तो ऐसे में हमने सोचा इस बार के जीत के दावेदारों को लेकर थोड़ी कैलकुलेशन कर ली जाए। दरअसल उड़ती उड़ती खबर ये आ रही है कि बिग बॉस 17 की ट्रॉफी जो है ना, वो एक बार फिर से टीवी की बहू अंकिता लोखंडे के पास ही जाने वाली है। वो कैसे, ये सब हम आपको बताएंगे। अब देखिए, बिग बॉस 17 के घर में इस वक्त कौन कौन बचा है? मनारा चोपड़ा, मुनव्वर फारूकी, अरुण, अभिषेक कुमार और अंकिता लोखंडे। ऐसे में कुछ ये कह रहे हैं कि शो का विनर मुनव्वर फारूकी बनेंगे, मगर अब अंकिता के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। वो कैसे, जानिए। यहाँ शो के मेकर्स ने अंकिता लोखंडे की एंट्री उनके पति विक्की जैन के साथ करवाई और नेशनल टेलीविजन पर इन दोनों के रिश्तों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि बात तलाक तक आ पहुंची। ऐसे में मेकर्स के लिए उनका ही पैतरा उल्टा पड़ गया। हालांकि शुरू से ही ये लोग सलमान के जरिए अंकिता को अकेले में समझाने का काम कर रहे थे, उनके अंदर चाबी भर रहे थे। अंकिता भी कम नहीं निकली, वो क्या क्या नहीं बनी, बेचारी बनी, अबला बनी और तो और रोने धोने में भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। जब बात हाथ से निकलने लगी तो पहले वीकेंड के वार के दौरान विक्की को लताड़ा गया और तब भी बात नहीं बनी तो दुनिया के सामने विक्की के परिवार को जलील किया गया, अंकिता को महान और विक्की को जालिम बना दिया। एक्ट्रेस के लाख गलत होने के बावजूद उनको सराहा गया, उनकी गलतियों को नजरअंदाज किया गया। रही विनर बनने वाली बात, तो अंकिता ही बनेंगी क्योंकि वो टीवी की बहू जो है, ऐसा पिछले सीजन्स में भी देखने को मिला है। चाहे ओपोनेंट कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आखिर में टीवी की बहुएं ही ट्रॉफी उड़ा ले जाती हैं। जरा गौर फरमाइए इस रिपोर्ट कार्ड पर, प्रतीक सहजपाल को नहीं, तेजस्वी प्रकाश को बनाया गया विनर। बिग बॉस 16 के दौरान भले मेकर्स ने खेला करके एमसी स्टेन को विनर बनाया और प्रियंका चाहर चौधरी को गेम से आउट कर दिया था, लेकिन सीजन 15 को देखा जाए तो तेजस्वी से ज्यादा प्रतीक की गेम स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन टीवी की बहू तेजस्वी को विनर बनाया गया। अली गोनी के आगे फीका था रुबीना का गेम। अली गोनी ने सीजन 14 में वाइल्ड कार्ड एंट्री की थी, लेकिन उनके आने से घर का पूरा गेम बदल गया था। वो सभी कंटेस्टेंट पर भारी थे, बावजूद इसके उन्हें सेकंड रनर अप और रुबीना दिलेक को विनर बनाया गया था क्योंकि वो टीवी की बहू जो थी। बिग बॉस की हिस्ट्री यही कहती है कि ज्यादातर वही लोग विनर बने जो टीवी की या तो बहुरानी थी या वैम। श्रीचंद के आगे दीपिका कक्कड़ ने जीती थी ट्रॉफी। दीपिका कक्कड़ का गेम एकदम अंकिता लोखंडे जैसा ही था। श्रीचंद को उन्होंने अपना भाई बनाया हुआ था। पूरे शो में दीपिका रोते हुए या अपनी अकड़ दिखाते हुए नजर आई थी। उनसे स्ट्रॉन्ग दीपक ठाकुर और श्रीचंद थे, लेकिन बहू के नाते दीपिका को ही मिली ट्रॉफी। विकास गुप्ता को नीचा दिखाकर शिल्पा ने जीती थी ट्रॉफी। सीजन 11 आपको याद हो तो इसमें विकास गुप्ता को मास्टर माइंड का टाइटल दिया गया था। उनका गेम इतना स्ट्रॉन्ग था कि हर कोई उनका फैन था, लेकिन शिल्पा शिंदे को विनर बनाया गया था। उन्होंने रो रो कर सहानुभूति हासिल करके शो जीता था। तनिषा मुखर्जी को नहीं, गौहर को जिताया गया। मेकर्स ने सीजन 7 में गौहर खान की बगावत और अड़ियलपन के बावजूद उन्हें ट्रॉफी दी थी। हालांकि ये सीजन आजकल के सीजन से एकदम अलग है क्योंकि उस वक्त तक शो में कोई बायस नहीं हुआ करता था। गौहर की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देखने को मिली थी, वो टीवी का चेहरा नहीं थी लेकिन जीती वही थी। महक चहल से जूही परमार ने छीनी थी ट्रॉफी। जूही परमार भी टीवी का चेहरा थी, उन्होंने सालों पर्दे पर बहू का रोल प्ले किया और घर घर में अपनी अलग पहचान बनाई। शो में उनका योगदान जो भी रहा, लेकिन उन्होंने महक चहल को पछाड़ दिया था और ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। बिग बॉस 6 में उर्वशी ढोलकिया को मिली ट्रॉफी। उर्वशी ढोलकिया ने भी बिग बॉस 6 को जीता था।
इस सीजन में भी कई दमदार खिलाड़ी थे, लेकिन टाइटल इन्होंने ही अपने नाम किया था। तो वहीं कसौटी जिंदगी से दिलों पर राज करने वाली श्वेता तिवारी भी बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है। उस दौरान श्वेता की पर्सनल लाइफ में काफी उथल पुथल मची हुई थी, बस इसी का उनको फायदा मिल गया। श्वेता तिवारी ने बिग बॉस सीजन 4 जीता था। वो इस सीजन में अपनी पर्सनल लाइफ के कारण भी सुर्खियों में रही थी। शादीशुदा जिंदगी में आई उथल पुथल का फायदा मिला उनको इस गेम में, और रिजल्ट ये निकला कि ट्रॉफी बहुरानी के पास चली गई। तो इस सर्वे को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार भी ट्रॉफी टीवी की बहू के पास ही जाने वाली है। ऐसे में अगर अंकिता का नाम उछल कर सामने आ जाए तो शॉक मत होइएगा, क्योंकि अंकिता ने भी काफी इमोशनल कार्ड्स खेले हैं। पहले सुशांत की बातें कर उन्होंने बिग बॉस के कई एपिसोड्स निकाल दिए, और अब पति विक्की से लड़ाई कर उन्हें बाहर निकलवा दिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी टीवी की बहुरानी सबको मात दे ट्रॉफी ले उड़ेगी, या इस बार आएगा कहानी में ट्विस्ट? कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।